विल यू मैरी मी, उसने हाँ कर दिया है, धोखा दे दिया मुझे। मेरे पास बेटा रिकॉर्डेड क्लिप है, तेरे अगेंस्ट केस करूंगा मैं। पिशी पिशी पिशी, आजा 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 आजा। यो व्हाट्स अप गाइस, हर्षरण, स्वागत है आप लोगों का ब्रांड न्यू सीरीज में, जो कि हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड, या फिर मैं कहूँ माइनक्राफ्ट गाइड। अब यार अगर आप लोगों को नहीं पता ना कि माइनक्राफ्ट गाइड क्या होती है, तो मैं आपको शॉर्टली बता दूँ कि हमारी एक गाइड सीरीज, जैसे कि माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज वैसे ही सीरीज है, बस मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ और यार ट्यूटोरियल्स देता हूँ थोड़े बहुत, और यार जो माइनक्राफ्ट के मैकेनिज्म्स हैं उन्हें डिटेल में बताता हूँ सारी चीज़ें। तो यार मस्त सीरीज है ये, चलने वाली है। और यार मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी अभी माइनक्राफ्ट को स्टार्ट किया, लाइक अगर आपको 2-3 दिन ही हुए हैं, तो मत देखो इस वीडियो को। अच्छा, हमको सिखा रहा है ये सीरीज ना, एवरेज प्लेयर्स और बिलो एवरेज, और थोड़े जो ज़्यादा एवरेज है ना, एवरेज से थोड़े और अच्छे प्लेयर्स खेलने वाले, उन लोगों के लिए है। तो अगर आप एवरेज प्लेयर हो तो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और हमारा नया वर्ल्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले भैया हम क्रिएट न्यू वर्ल्ड करेंगे, और फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड वापस से करना पड़ेगा। और अब आती है नाम रखने की बारी। तो हम नाम रखेंगे ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड, और माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड मैंने नाम रख दिया है। और वर्ल्ड को इन्फिनाइट रखेंगे, सीड रैंडम, शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देंगे, बाकी हमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। इसको मैं ऑफ़ कर दूँ और अब क्रिएट कर लेते हैं। हम स्पॉन हो चुके हैं और हम एक ट्री पर स्पॉन हुए हैं। ओ भाई साहब, स्टार्टिंग में हमें एक काफ़ी शानदार बायोम मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और मैं पानी में जंप नहीं कर पाया। ओके, तो सुबह सुबह हो चुकी है माइनक्राफ्ट में। तो थोड़े से हमें सबसे पहले जो हमारा माइनक्राफ्ट का काम होता है, ट्री को पंच करना, जो कि हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर की फैंटेसी, तो वो करते हैं भाई, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। और ये मैंने 6 जो हमारे टिपिकल वुड्स होते हैं, जो कि हमें एक नॉर्मल ट्री से मिलते हैं, वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। और यार देखो, ये ट्री को पूरा ख़त्म कर देना, सारा वुड निकाल लेना, इसको फ्लोटिंग मत छोड़ना, अभी टूट जाएगा अपने आप। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बट ये मेरा वर्ल्ड है इसलिए मैं छोड़ सकता हूँ ऐसे इसको। यार मत छोड़ना, ठीक है, मैं तो उसको कट कर लेता हूँ, मजाक कर रहा था मैं। ओके, देखो मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। तो अभी तो ये फालतू की बकचोदी कमेंट में मत करना कि तूने बोल के फिनिश नहीं किया। और यार देखो, हमारा फर्स्ट डे, तो माइनक्राफ्ट का जो फर्स्ट डे है वो काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट नाइट काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है। तो फर्स्ट नाइट सर्वाइव करने के लिए मुझे चाहिए होंगे स्टोन टूल्स, फूड और बेड। तो मेरे को सबसे पहले खाना भी चाहिए, मेरे को फूड भी चाहिए, मेरे को सामने क्या भाई, व्हाट द हेल, रैंडम सीट थे ये, और रैंडम सीट पर मुझे विलेज मिल रहा है। तो जो विलेज है उसमें हम बाद में जाएंगे। फर्स्ट नाइट सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए स्टोन टूल्स, या फिर और अपग्रेडेड भी चलेंगे, टूल्स चाहिए, फूड चाहिए और बेड चाहिए। तो सबसे पहले हमको टूल्स बनाने चाहिए, जो कि हमें बनाने ही चाहिए, मतलब हम बनाएंगे भी सही। तो यहाँ से हम थोड़ी खुदाई कर लेंगे स्टोन के लिए, लेकिन अभी ना मुझे सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, जो कि यार मैं ऐसे बना सकता हूँ। सो क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना ली है, और अब पता नहीं अपना मतलब ये बना लेते हैं सारे वुड प्लैंक्स, और अब बना लेते हैं कुछ स्टिक्स। और यार देखो, मैं आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, लाइक मैं मैन्युअली क्यों रख रहा हूँ मेरे हाथों से। तो इसका, अरे भाई, तो इसका रीज़न ये है कि यार ऐसा होता है ना, मतलब कि रेसिपीज़ खुद को भी याद रहनी चाहिए, इसलिए मैं यार, अब कोई वेटरन होता है ना तो वो इसी तरह से करता है। एक प्रो प्लेयर ना मतलब उस जो रेसिपी होता है ना उसका यूज़ नहीं करता, खुद से रेसिपी मतलब रखता है। और यार देखो, आप सिर्फ वुडन की जो पिकेक्स है उसी को बनाना, वुडन के दूसरे टूल्स नहीं बनाना। और मैं तो कभी बनाता ही नहीं, वुडन के टूल्स बनाने भी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी बेकार होते हैं। आप स्टोन के टूल्स बना सकते हो, स्टोन कहीं पर भी मिल जाता है। तो यार बना लेना भाई, प्लीज़ नाक मत काटना यार मेरी। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोन कलेक्ट कर लिया मैंने, और स्टोन कलेक्ट करने के बाद अब मैं टूल्स बनाने वाला हूँ। अब मैं सबसे पहले बनाऊँगा एक पिकेक्स, जो कि होगी हमारी स्टोन की। सो हमने स्टोन की पिकेक्स बना ली। अब मुझे बनानी है एक शोवल, मतलब बनाना है, और एक बनानी है स्वॉर्ड। भाई तो अलग हट जा, स्वॉर्ड भी बना लिया, और क्या होता है, एक एक्स भी होती है ना, कुल्हाड़ी वाली एक्स, वो वाली तो यार नसीब में रही नहीं है। क्या बनाते हैं, और कुछ नहीं बनाते, अब तोड़ लो इसे, ठीक है। अभी तोड़ लिया हमने, अभी मैं थोड़ा इसको असेंबल कर देता हूँ। सामान मेरे को एकदम असेंबल हुआ चाहिए होता है, पता नहीं क्यों। अब ना बेड और फूड चाहिए हमें, तो आज हम आज की रात सर्वाइव कर लेंगे। और टाइम अगर आपको देखना है ना, तो ऐसे देखना है, ये अभी 12 बज रहे हैं, क्योंकि ये मेरे सर के ऊपर एकदम, मतलब एकदम जब पहले जब टाइम देखते थे ना, जब घड़ी का इन्वेंशन नहीं होता, तो ऐसे ही देखते थे। तो हमें ऐसे ही देखना है यहाँ पे। अभी दोपहर है, तो दोपहर में हमें खाना ढूंढना है। चिकन मैडम जी, क्या आप हमें खाना देंगी? नहीं। क्या आप मुझे खाना देना चाहेंगी? यस। वो मुझे, वो सहमत हो यार,
और यहाँ पर हमारे पास है 20। हे बी मैडम, कैसी हो आप? तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। देखो मैं सबसे पहले तो बेट का बता दूँ, हम बेट को बना भी सकते हैं। तो बेट हम बनाते कैसे, जो शिप होती है ना, शिप को मारते हैं तो हमें उससे वूल मिलता है। तो मैं 3 शिप को मारकर सेम कलर का जो वूल है, अगर वो मिलता है ना, तो सेम बेट को बना सकते हैं। या फिर विलेज में भी हर घर में बेट होते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, विलेजर सोते होंगे ना, तो वहाँ से बना सकते हैं। और देखो, और अगर इन केस अगर आपको 2 अलग अलग प्रकार के वुड मिल जाए, मतलब 2 अलग अलग कलर के, जैसे मेरे पास अभी है, वैसे हमें 3 वुल चाहिए ना, तो एक मेरे को बड़ी शिप चाहिए होगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मतलब अपना काम चला सकते हो। तो खाना भी हम पता है 3 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। 3 तरीका कौन सा हो गया भैया? तो सबसे जो पहला तरीका है वो अपना फार्मिंग का है, मतलब कि ये जो है ना ऐसे ग्रास, इसको तोड़ो और इससे आपको मिलेंगे, पता है क्या, इससे आपको मिलेंगे ये सीड्स, इसको आप बो दोगे तो फिर आप वीट से ब्रेड बना सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है, जो पानी में ना फिश होती है, पानी में जो फिश होती है ना, उसको आप मार सकते हो और फिर उनको पका के खा सकते हो। मैं आपको डेमो देता हूँ ऐसे, इस तरीके से एकदम जल्लाद की तरह, तो आप ऐसे भी खा सकते हो। अगर नहीं तो आप एनिमल्स को मार सकते हो, ठीक है, एनिमल्स, वो जो गाय भाग रही है उधर। मैडम जी इधर आप हमें खाना दीजिए आप प्लीज़। तो सूरज डूबने वाला, मतलब काफ़ी थोड़ा अभी 3 बज गए। देखो वहाँ पे एक शिप स्पॉन भी है, तो हमारे पास 3 शिप हो चुकी है। ओके, सो मैंने जंप करके मारा तो डैमेज ज़्यादा मिला। अब मेरे पास 3 वूल है, जो कि है एक दो, मतलब जो 2 वाइट है और एक है ब्राउन। तो अब 3 वूल तो है मेरे पास, लेकिन अलग अलग कलर के हैं। तो अगर मैं क्राफ्टिंग टेबल मेरी यहाँ रखूँ तो मुझे ना बेड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको भी ऐसे रख दूँ ना, और इन दोनों को भी ऐसे रख दूँ यहाँ पे, तो मुझे ऑप्शन नहीं दिखेगा, मुझे सेम कलर के वूल चाहिए। तो उसके लिए आप फ्लावर्स ले सकते हो, कोई सा भी फ्लावर हो, अगर आपके पास फ्लावर तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्लावर से आपको क्या करना है कि अपने जो ये जो है ना, इनको डाई कर लेना है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको डाई बनानी है, डाई बनाने के बाद आपको इस तरीके से डाई कर लेना है। तो 3 हमें सेम कलर के वो चाहिए होंगे फ्लावर, 3 सेम कलर के अगर आपके पास फ्लावर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 डाई बना लेनी है, ठीक है। 2 डाई बनाने के बाद आपको बस, यार ये हमारे पास 3 सेम कलर के वूल हो गए। अब हम बना सकते हैं हमारे लिए एक आलीशान बिस्तर, या फिर चारपाई, खटिया जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अभी भी मैं खाना कलेक्ट कर रहा हूँ, और यार मैं विलेज में पहले दिन नहीं जाना चाहता यार, क्योंकि चैलेंजों से रहना अच्छा होता है। लाइक विलेज में हमें सारी सुविधा मिल जाती है, तो यार वो विलेज में को जाना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ज़रूर नोट कर लूँगा, क्योंकि ये मैं यहाँ पर बाद में आना ज़रूर चाहूँगा, अभी नहीं। वो यहाँ पे डोम की है तो इसे माउंट कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, वैसे अभी हमारे पास वो नहीं है ना सेडल, तो मैं इस पर राइड नहीं कर सकता, सेडल मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो फिश है जो मैंने मारी थी, मैं शायद कलेक्ट करना भूल गया, और अब मेरे को यहाँ पे भूख लग रही है, तो खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। तो खाने का इंतजाम हमने कर लिया था, मतलब हमारे पास खाना कितना है, ये इतना है, मतलब कि ये इतना खाना मेरे पास है, बट मुझे इसको पकाना होगा, रो खाऊंगा ना तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए भी हमारे पास एक खाना बनाने की मशीन है, मतलब हम वो बना सकते हैं ओवन नहीं, इसमें फर्नेस होता है भाई, आपको पता ही होगा। तो मैं भी क्या यार क्या बात कर रहा हूँ, तो फर्नेस बना लेते हैं। और अगर मेरे पास अभी कोल नहीं है, तो इसकी जगह मैं वुड इस्तेमाल करता हूँ। और यार मेरे को अभी बेड भी बनाना है, बेड मैंने बना लिया है। यार ये क्यों होता है हमेशा, ये क्यों खुलती है गाइड, मेरे को इस पर क्लिक नहीं करना भाई, वाहियात काम मत करो तुम गेम वालों। ओके, तो यहाँ पे मैं एकदम जैसे सोने वाला हूँ, यहाँ पे अगर मच्छरदानी भी होती तो अच्छा होता, लेकिन मच्छरदानी इस गेम में है नहीं सैडली। अरे चिकन जी इधर आइए आप, हमें थोड़ा अपना चिकन दीजिए विदाउट डेट फकिंग फ्लू। ओहो रात होने वाली है एकदम, मतलब सनसेट देखने का मौका मिल रहा है मुझे यहाँ पे, अगर और कोई होता ना तो अच्छा होता, बट सैडली अकेला ही सोना पड़ेगा हमें, हमारे साथ कोई है नहीं यार कंपनी देने वाला, यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे हो? अच्छा हमको सिखा रिया है यार, खाना पका अभी तक, मैं 3-4 दिनों से भूखा हूँ, वो अलग बात है कि मुझे वर्ल्ड बनाए 2-3 दिन भी नहीं हुए, एक ही दिन हुआ है, तो ये मैंने खाना खा लिया, मैं सारा खाना पका लेता हूँ यहाँ पे। और ये खाना जब तक पक रहा है ना, पक रहा ना भाई तू, नहीं पक चुका, तो जब तक मैं थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, वुड काफ़ी ज़रूरी है, हमें चाहिए होगा, सो वुड कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं पूरा 2-3 ट्री नहीं, एक ट्री ख़त्म करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा वुड भी नहीं चाहिए होगा मेरे को। और ये जो सर है ना, ये ज़ोंबी है जो कि पानी में रहने वाले हैं। सर कैसे हो आप? सर हमें सो कोल्ड न्यूज़ चैनल की ओर से भेजा गया है आपका इंटरव्यू लेने। सर मार क्यों रहे हो? सर भड़क रहे हो सर आप, तो ये तो गलत बात है सर। नहीं यहाँ पे कौन है भाई? वो ट्राइडेंट वाला, इसका जो एक भाई होता है ना ट्राइडेंट वाला,
उसके पास ट्राइडेंट होता है, उसने मारा भी, मेरे को आवाज़ आई थी कौन है भाई तू, ये रहा ये छुप के बैठा भाई, रहन दे यार ये मार देगा, हमें मेरे फर्स्ट दिन नहीं मरना चाहता, सॉरी सर सर सॉरी यार, आ जा आ जा आ जा, जा, जा अभी अभी तू रख दे, अबे नहीं 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 सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर माफ़ करोगे सर हमें, सर सर माफ़ करना चाहोगे, नहीं 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 सर मत मत करो सर मत करो सर, यार मैं इसको मारना चाहता हूँ लेकिन अभी मरना नहीं चाहता है, इसलिए ना वुड कलेक्ट कर लेता चुपचाप, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वुड है क्योंकि हमारा ये डार्क ओक बायो में डार्क ओक फॉरेस्ट है जिसे हम कहते हैं। तो यार ये देखो ये वाले जो ट्री है ना, इनमें क्या होता है कि जो हम एप्पल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर आपको एप्पल खाना पसंद है, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं ना जो बंदा एप्पल खाता है उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अगर आप कुछ भी लेकिन अभी मेरी दुश्मनी इससे है और मैं इसको मार के रहूँगा सर, अरे सर सर मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो भाई ऑफेंड हो गया यार, ऑफेंड हो जाते हो जरा जरी बात पे तुम लोग, अरे नहीं 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 सर सर नहीं सर नहीं सर 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 प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ यार, इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए, पता है इतनी नहीं सुलगनी चाहिए तुम्हारी, अगर तुम्हारी जान इतनी ज़्यादा सुलगती है ना तो तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। और इन बजी बीस को आप ब्रीड कर सकते हो फ्लावर से, फ्लावर खिलाते मैडम जी को, मैम जी आपको फ्लावर खाना है, नहीं मिस बजी बी विल यू मैरी मी, यार आई एम प्रपोजिंग यू प्लीज़ विल यू मैरी मी, उसने हाँ कर दिया है, अब जल्दी से हमें पूरा इंतजाम करना पड़ेगा शादी का, उसने हाँ कर दिया है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल ही नहीं सकती, मैडम जी थैंक यू, मुझे पुच्ची दे दो मुझे, क्या पुच्ची दे दो, अरे भाग कर रही हो, अरे मैं आपको सब कुछ खिला दूंगा, मुझे पुच्ची दे दो, अरे कहाँ जा रही हो, धोखा दे दिया मुझे, अरे अभी धोखा दे दिया मेरे पास, बेटा रिकॉर्डेड क्लिप है तेरे अगेंस्ट केस करूंगा मैं, मनुष्य लग लो मत करो रन लो, अभी किधर जा रही है, ओ मैडम अभी आपने हाँ बोला था, अरे 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 पुच्ची तो दे दे आओ, अरे अरे मैडम अरे मैडम अरे ऐसा मत करो, अब ये मेरे इंतकाम का बदला देखेगी, मैं मेरे बदले की आग में जल रहा हूँ और मैं बन चुका हूँ फोर आर्म्स का, कुछ भी। सो यार अभी मैं थोड़ी जगह चेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह चलना चाहिए, कोई अच्छी जगह होगी तो ही हम रुकेंगे, अच्छी जगह की डेफिनेशन ना वो तुम्हें पता होगी, मतलब मैं किस तरीके की जगह पसंद है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि यार कौन सी जगह आप रुकने वाले हो। तो यहाँ पे हमें थोड़े सुअर वगैरह मिल चुके हैं जिससे कि हम हमारा खाना ले सकते हैं, बट हम आगे चलते रहेंगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले क्योंकि अभी मैं चल रहा हूँ मेरे बदले की आग में, भाई साहब जला दूंगा मैं सबको, पूरे जंगल में आग लगा दूंगा, माउंटेन एरिया आ चुका है वैसे यहाँ पे, ओके माउंटेन एरिया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और वैसे भी केव अपडेट आने वाला है तो उसमें माउंटेन आएंगे, तो यार फिर हम इसमें घर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसमें घर नहीं बनाने वाले, बट हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, और भी यार मैं केव में भी घर नहीं बनाने वाला क्योंकि यार केव अपडेट आने वाला है ना, एक और विलेज, व्हाट द हेल, एक और विलेज है यहाँ पे, कैसे अबेंडेंड है ये वाला, अबेंडेंड विलेज है और वाला उसमें मतलब लोग रह रहे थे, जाति प्रजाति चल रही थी, वहाँ पे लाइफ थी लेकिन यहाँ पे लाइफ नहीं है, जब भी आपको ये जो मकड़ी के जाले देखे ना समझ जाओ कि वो खंडर हो चुका है विलेज, यहाँ पे उन लोगों की आत्मा रहती है, दिखाऊँ आत्मा, देखनी आत्मा, वैसे यहाँ पे काम की चीज़ें भी है जैसे ये स्टोन कटर, इसको ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं, चलते हैं, और यहाँ पे है ब्लैक स्मिथ, भाई साहब ये जो घर है ना ये ब्लैक स्मिथ का घर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेजर मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की आत्मा हो सकती है या फिर नहीं होगी, कोई बात नहीं, नहीं है, ट्रेजर के नाम पे यहाँ पे 3 एप्पल और 2 इंगट और ब्रेड दे दिया है, वाह, लेकिन अभी हम कंजूस हैं इसलिए सारा सामान ले लेंगे, क्योंकि अभी यार बिगिनिंग में हमारे पास कुछ नहीं है, हमें रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए, ओके ये थोड़ा घर बड़ा दिख रहा है, मैं एकदम गोल्ड डिगर की तरह घुस जाता हूँ घर में, यहाँ पर कोई है नहीं क्या, किसी की आत्मा वगैरह, आई मीन वो ज़ॉम्बी विलेजर्स है नहीं क्या यहाँ पे, यहाँ पे स्मोकर मिल चुका है मुझे, स्मोकर उसके बारे में आपको बात बताऊँगा, हे शिप वुड यू लाइक टू बी माई खाना, रात का खाना बनना चाहोगी मैडम जी आप, अगर नहीं बनना है तो फिर भी मैं बना दूंगा, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट फिर भी तो ये जो है ना ये है अपने वो क्या कहते हैं इसे नाम आ जा है वेल्स, और इनसे आप ब्रेड बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वीड भी बना सकते हो, तो इसको हम ले लेंगे अभी, तो अभी हम थोड़े से आगे चल रहे हैं, और यहाँ पे है टाइगर बायोम, भाई साहब टाइगर बायोम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट यहाँ पे गाजर और कैरेट्स है, मतलब गाजर और कैरेट्स तो है ही, मतलब ये बीटरूट भी है,
बट बीट रूट्स सब ओ यहाँ पे बिल्ली है ना, मैं बिल्ली टेम कर सकता हूँ, वेट वेट में बिल्ली टेम कर सकता हूँ, कहाँ है वो फिश कहाँ है, ये मेरे पास फिश है, फिश 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 आ जा आ जा आ जा, मैम आ जाओ आप प्लीज़, मैम कहाँ हो, फिशी 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 हमारे पास आ जाओ, अरे किधर भाग गई, आ गए आ जा आ जा आ जा मैम, फिशी 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 मैम, फिशी 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 मैम, फिशी 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 आ जा ना, नहीं सेवल बैड पन्स लेट, नहीं प्लीज नहीं, टेम हो गई फाइनली, फाइनली टेम हो गई ये किटी 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 स्टैंडो, अब इसका नाम क्या रखना है मुझे आप लोग कमेंट से बताओगे, प्लीज़ मुझे बताओ किसका नाम क्या रखें, कोई अच्छा सा सुंदर सा नाम बताना, क्योंकि यार ये भी एकदम क्यूट सी हमारी केट है, इसका नाम हम क्यूटी पाई रख सकते हैं क्या मैडम, आप अपना नाम क्यूटी पाई रखना चाहोगी, नहीं उसे पसंद नहीं आया, अरे कहाँ जा रही हो मैडम आप, इधर आ जाओ हमारे साथ आओ, वैसे आपको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, सो चलते हैं अच्छी जगह पर, मैडम जी आप आइए हमारे साथ, आ रही है वो, आ रही है, उसको मैं पसंद आया, फाइनली कोई तो है इस दुनिया में जिसको मैं पसंद आया। तो यार कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, यार मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की, जैसे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल गाइड को और माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का दोनों का घपाघप करके एक नई ब्रीड हाइब्रिड तैयार की है, और उसका नाम मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन फिर भी यार अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भले मत करो लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो जिन लोगों को जेन्युइनली इस सीरीज़ का इंतज़ार था उन लोगों के लिए बात है, तो यार देखो मैं आपको बता दूं कि जो इस ये जो सीरीज़ है ना ये 15 से 20 मिनट की होने वाली है, आज की पता नहीं कितनी बड़ी हो गई, और यार हर हफ्ते में 4 वीडियोस आ जाएगी इस सीरीज़ की, सो यार अगर आपको पसंद है ना तो यार स्टे ट्यून्ड, बाकी यार आज के लिए बता नहीं, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस क्यूटी पाई का नाम बताओ मुझे, कि इस क्यूटी पाई का नाम हम क्या रखें, प्लीज़ कमेंट से बताओ मुझे।